वाओ, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया ग्रेवी का। और ये देखिए ढाबा स्टाइल का पनीर मसाला बनके रेडी हुआ है। ढाबे वाले जो सीक्रेट चीज़ें जो डालते हैं तो वो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिक तरीके से ढाबा स्टाइल का पनीर मसाला। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप मुझे देख रहे हैं स्वाति किचन में, इसकी टैगलाइन है कुक फूड विथ लव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करिए, ताकि मेरे आने वाली नई नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने पनीर लिया है और ये लगभग 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है। तो सबसे पहले हम पनीर पर मसाला लगा लेते हैं। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ पनीर को। और अगर आप इसके ऊपर मसाला लगा लेंगे तो जो पनीर है एकदम मसाले जैसा लगेगा। तो इस पर हम रेड चिली पाउडर डाल देंगे आधी टी स्पून, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और सबको अच्छे से कोट कर लेते हैं मसालों से। और ये मैंने सारे मसालों से अच्छे से कोट कर दिया पनीर को। अब इसको साइड में रख देते हैं। और जो ढाबे वाले होते हैं वो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए बेसन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बेसन लिया है और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई रोस्ट करेंगे हम इसको। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और 1 टेबलस्पून बेसन हम इसमें डाल देंगे और इसको हम लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। और बेसन का जो कच्चापन है वो निकल नहीं जाता। और बेसन को भूनने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे। और ये देखिए मैंने बेसन को अच्छे से भून लिया है और इसका हल्का सा कलर चेंज भी हो गया है। तो यहाँ मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के अच्छे से गरम कर लिया है। और हमने जो पनीर पर जो मसाला लगाया था तो अब हम ये इसमें डाल देंगे और इसको शैलो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पनीर के पीस को डाल दिया है और यहाँ पे मैंने पनीर को शैलो फ्राई किया है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसको। और ये देखिए बहुत ज़्यादा हमें इसको डार्क कलर का नहीं करना है, बस हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाए, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे मैं गैस को बंद कर देती हूँ और ये अच्छे से शैलो फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और जिस कढ़ाई में मैंने पनीर को शैलो फ्राई करा था तो उसी कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल और डाल दिया है और अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, आधी टी स्पून जीरा, 2 लाल मिर्च साबुत, 1/2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी इलायची और 3 से 4 काली इलायची। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 तेज़पात का पत्ता, तो इसको भी इसी के साथ में भून लेंगे। और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं, अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तब। और यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो 2 प्याज लिए थे। और साथ ही में मैं डाल दूंगी यहाँ पे गार्लिक जिंजर पेस्ट 1/2 टीस्पून, इसको भी इसी के साथ में भून लेंगे। और ये देखिए जो प्याज का जो कलर था वो हल्का सा चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैं डालूंगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो अब सारे मसालों को अच्छे से मिला देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन जो हमने भून के रखा था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको भी अच्छे से सारे मसालों के साथ में भून लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए सारे मसालों को। और ये देखिए जो मसाले हैं वो अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने टमाटर प्यूरी बना के रखी है, ये मैंने 3 टमाटर की प्यूरी बनाई है। तो इसको इसमें डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिला लेते हैं एक बार फिर से।
और ये देखिए जो टमाटर थे वो अच्छे से मसालों के साथ में मिल चुके हैं। और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए क्लिप से कवर करके रख देती हूँ। और अब मैं लिड को हटाती हूँ और इसको एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए ग्रेवी का कितना अच्छा कलर आया है और जो ऑयल था वो हल्का सा किनारे पे आ चुका है। तो इसको एक बार फिर से मिला लेते हैं। इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ और डालेंगे जो ढाबे वाले डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा कप लिया है दही। ये दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और हम ये डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इसको मिलाते रहिए। दही जो है वो फटना नहीं चाहिए। और डाल दूंगी, यानी कि यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून दही को लिया था। और जो दही है वो एकदम मीठा दही होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। तो इसको चलाते रहिए अब 2 से 3 मिनट के लिए। और अब देखिएगा जो ग्रेवी बनके जो रेडी होगी कितना अच्छा कलर आएगा, कितना अच्छा सा टेक्सचर आएगा। और ढाबे वाले जो है वो यही चीज़ें डालते हैं ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। तो इसको 2 मिनट के लिए और चला लेंगे। और अब यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 कप पानी ऐड किया है। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला पाउडर आधी टीस्पून, और इसको भी एक बार चला लेते हैं। और इसको मैं फिर से एक लिड से कवर करके रख देती हूँ लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। और गैस को हम लो फ्लेम पे ही रखेंगे। और अब मैं लिड को हटाती हूँ और चेक करते हैं। ये देखिए वाओ कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, फ्रेश ताज़ा हरा धनिया डाल देंगे। और अब हम इसमें ये पनीर के पीस डाल देंगे और एक बार सबको अच्छे से मिला देते हैं। और ये देखिए ढाबा स्टाइल का पनीर मसाला बनके रेडी हुआ है। कोई नहीं कहेगा कि आपने ये घर पे बनाया है। और आइए अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकालते हैं। तो यहाँ मैं गैस को बंद कर देती हूँ। और ये देखिए ढाबा स्टाइल का पनीर मसाला बनके रेडी हुआ है। और आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है वो कितनी गाढ़ी बनी है। तो आप इसको एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। और अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।